हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम यूनिट 7 को डिस्कस कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हमारी ये तीसरी वीडियो होने वाली है। आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जितने भी इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं वो हम लेके आए हैं, और ये फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स में आपको सीधे देखने को मिल जाएंगे। आपको पता है प्रीलिम्स के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए आप सभी की भी कि हम केवल वो पढ़ें जो परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है। तो यूनिट 7 में आज हम इन्वायरमेंट के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारे सामने। सबसे पहले कुछ अवधारणाएं हैं या कुछ चीज़ें हैं जो किस वैज्ञानिक या किस व्यक्ति ने दी हैं, तो उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि किसने क्या दिया है ना। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया। पूछ सकता है आपसे कि पारिस्थितिकी शब्द निम्न से किसने दिया है, तो अर्नेस्ट हैकल आपको ध्यान रखना है। फिर अगला पूछे पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आप समझना कि एक है पारिस्थितिकी और एक है पारिस्थितिकी तंत्र। ये तंत्र शब्द अगर जुड़ गया है ना, तो फिर आपको टेंशन होने लग जानी चाहिए। इसको ट्रिक से याद कर सकते हो कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम किसने दिया है, तो टेंशन लेने, जहाँ पर तंत्र दिखेगा वहाँ पर टेंशन होगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र एजी टेंसलेन दी है। अब यहाँ पाता है गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी। अब डीप इकोलॉजी किसने दिया है, तो अर्ने नीज करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने दिया। ये सब विदेशी नाम है इसलिए आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम कुछ ना कुछ रिलेट करेंगे या कुछ ट्रिक्स बनाएंगे जिससे आप इनको आसानी से कर सकते हो। प्रीलिम्स में आएगा कि भाई गहन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, तो आपको सीधा उसका उत्तर बताना है, अर्ने नीज ने। फिर आता है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी शब्द, तो डब्लू जी रोजन साहब जो हैं उन्होंने हमारा जैव विविधता शब्द दिया था। किन्हें दिया था, डब्लू जी रोजन ने। ठीक है, फिर आ जाओ ओजोन स्तर। आप सभी को पता होगा ओजोन जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन का अध्ययन करा था जोसेफ फॉरमैन ने। ठीक है, टेबल है, फैक्ट है, कुछ समझाने जैसा नहीं है, सीधा सीधा याद करना है। अब अगर आपने 2019 का मेंस का पेपर देखा होगा तो उसमें धारणीय विकास पूछ दिया था, तो ये ब्रुटलैंड एक रिपोर्ट है, वहाँ पे धारणीय विकास को पहली बार ये शब्द आया था, धारणीय विकास। फिर आता है पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा, तो ये कार्ल रिटर ने दी थी। पारिस्थितिकी स्तूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पारिस्थितिकी स्तूप जो है वो किसने दिया है, तो चार्ल्स एल्टन ने, ध्यान रखेंगे। हॉट स्पॉट, आपको पता है हॉट स्पॉट ऐसे जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं जो अति संवेदनशील होते हैं, तो इसकी अवधारणा दी थी नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, अम्ल वर्षा का अध्ययन किया था रॉबर्ट एग स्मिथ ने। तो ये फैक्ट हैं, आप एक बार देख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। पारिस्थितिकी शब्द दिया अर्नेस्ट हैकल ने, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया है वो दिया है एजी टेंसले ने। ठीक है, जैव विविधता शब्द दिया है डब्लू जी रोजन ने, ओजोन का अध्ययन किया था जोसेफ फॉरमैन ने, धारणीय विकास आया ब्रुटलैंड में, पर्यावरण निश्चयवाद आया कार्ल रिटल के, पारिस्थितिकी स्तूप दिया है चार्ल्स एल्टन ने, हॉटस्पॉट की अवधारणा दी है नॉर्मन मायर्स ने, और अम्ल वर्षा का अध्ययन रॉबर्ट स्मिथ। फैक्ट हैं, पर्यावरण में वो सीधा फैक्ट पूछता है और सीधा उसका उत्तर होता है। ठीक है, पर्यावरण का अगर आपको अच्छे से वो करना है। अब यहाँ पे कुछ मैन हैं, जैसे कि भाई मानसून मैन किसको बोलते हैं, आइस मैन किसको बोलते हैं, वाटर मैन किसको बोलते हैं, तो वो जो हैं वो यहाँ पे आप देख लो। सबसे पहले वाटरमैन कि भाई पूछ देगा, एमपीपीएससी सीधा फैक्ट पूछता है कि फलाने व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ आप बताएंगे। सबसे पहले आप आ जाओ कि मानसून मैन जो हैं वो देवराज सिक्का को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मानसून मैन किसको बोलते हैं, तो देवराज सिक्का को मानसून मैन बोलते हैं। वाटरमैन राजेंद्र सिंह ध्यान रखेंगे, आइस मैन चेवांग नॉरफेल को बोलते हैं, आइस मैन। फिर फॉरेस्ट मैन जादव पायोंग को बोलते हैं, टाइगर मैन कैलाश संख्या, इन्हीं के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर जो हम लेके आए थे वो कैलाश संख्या थे। वर्ल्ड मैन मतलब कि पक्षी वाला, वर्ल्ड यहाँ पे पक्षी, तो ये सलीम अली साहब को बोलते हैं। सलीम अली बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ पक्षियों के अध्ययन में ही निकाला था। डॉल्फिन मैन याद रखेंगे आर के सिन्हा, और ब्लैक होल मैन विश्वेश्वर करके एक व्यक्ति हैं, उनको बोलते हैं। अब ये फैक्ट आपको महजदा कॉलम में वो दे सकता है, आप याद रखेंगे कि भाई किस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, उपनाम है। मानसून मैन देवराज सिक्का, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, आइस मैन चेवंग नॉरफिल, फॉरेस्ट मैन जादव पायांग, टाइगर मैन कैलाश सांखला, वर्ल्ड मैन सलीम अली, डॉल्फिन मैन आर के सिन्हा, ब्लैक होल मैन विश्वेश्वर। ठीक है, ध्यान रखेंगे
सिर्फ आपको इस वीडियो को देखना है, ना कुछ नोट डाउन करना है, ना कुछ, बस एक बार सुनना है, एक बार देखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे अगले क्वेश्चन या अगले उस पर चलते हैं। अगर आपने 2020 का पेपर देखा है और दिया ही होगा, तो उसमें एक उनने मेज़दा कॉलम दी थी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, कहाँ पे फल उत्पादन होता है, कहाँ पे गेहूँ उत्पादन होता है, और वो विश्व लेवल पे पूछा था। तो ये घास के स्थानीय नाम है और ये अवस्थिति है कि भाई कहाँ पे किस चीज़ को किस नाम से बोलते हैं। ठीक है, जैसे सवाना, आपको पता है सवाना एक घास है और ये जो है उष्ण कटिबंधीय घास है। उष्ण कटिबंधीय का सीधा सा मतलब ऐसा समझिए आप कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है या जहाँ गर्मी होती है, वहाँ ये घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। तो सवाना अगर आपसे पूछें तो सबसे पहले मध्य पूर्व अफ्रीका, एक तो अफ्रीका याद रखना है और मुख्यतः सूडान और अमेरिका, सवाना घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और ये आप याद रखेंगे कि अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, मध्य और पूर्वी, मतलब सेंट्रल अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में आपको मिलेंगे। ठीक है, कंपोज या कंपास ये ब्राज़ील में मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। लानोज कोलंबिया और वेनेजुएला में मिलेंगे। सोरेडो ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्थानीय नाम है, तो सोरेडो भी ब्राज़ील में मिलेगा। ठीक है, और सोहेल या अकेसिया सवाना इसको बोलते हैं, ये लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में विस्तारित है। तो यहाँ पे आपने ये सवाना, कंपास, लानोस तो पढ़े होंगे, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपका ये सेरोडो ब्राज़ील वाला, और साहेल ये अफ्रीका की पट्टी, जो अफ्रीका का समुद्र तटीय वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। ठीक है, सोहेल, आगे आ जाओ, अगले पेज पे चलते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधी, अभी जो मैंने आपको बताया पिछले पेज पे, वो उष्ण कटिबंधीय थे, ये वाले शीतोष्ण कटिबंधी हैं। तो इनके नाम देख लो आप यहाँ पे कि ये क्या हैं। तो सबसे पहले पंपास, ठीक है, मेज़दा कॉलम में वो सीधा सीधा पूछ देगा कि भैया पंपास घास के मैदान कौन से हैं, उष्ण हैं कि शीतोष्ण हैं, तो शीतोष्ण हैं। फिर ये किस देश में मिलेंगे, तो पंपास अगर आप जाएंगे तो आपको अर्जेंटीना में मिलेंगे। ठीक है, ये शीतोष्ण हैं, ये विश्व में प्रमुख अन्न भंडार और दूध उत्पादन के स्थल हैं, ध्यान रखेंगे। अब अन्न भंडार और दूध उत्पादन क्यों, क्योंकि ये ठंडी जगह पे होते हैं और वहाँ पे पशुपालन अच्छा होता है, पशु इस घास को खाते हैं, फिर दुग्ध उत्पादन होता है। वेल्ड, वेल्ड याद रखना, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, वेल्ड। ठीक है, वेल्ड घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, तो आप उसका सीधा उत्तर लगा के आएंगे, दक्षिण अफ्रीका में। कैटेबरी, कैटेबरी शीतोष्ण घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कैटेबरी कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कुछ समझाने जैसा नहीं है, उष्ण और शीतोष्ण एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो ज्योग्राफी के में आपको मेंस में पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको केवल फैक्ट फैक्ट देखने हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होता है, डाउन्स इम्पॉर्टेंट है, एक तो डाउन्स और एक वेल्ड, तो वेल्ड है आपका साउथ अफ्रीका में और डाउन्स है आपका ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज हंगरी में है, आ सकता है क्योंकि अभी रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था और यूक्रेन जो है चर्चा में रहा था, तो यूक्रेन की सीमा से लगा एक देश है हंगरी, तो यहाँ पे पुस्ताज घास के मैदान आपको मिलेंगे। फिर आपका आगे आ जाओ स्टेपी, तो ये यूरोप में मिलती है, स्टेपी जो है यूराल पर्वत है, उसके आसपास आपको स्टेपी घास मिल जाएगी। ठीक है, देखते रहिए आप, आगे चलते हैं अगले पेज पे। तो ये घास के मैदान थे, उससे पहले हमने उपनाम देखे कि भाई वाटरमैन राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं, उससे पहले हमने कुछ शब्द देखे कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो एजी टेंसली ने। अब हम देख रहे हैं कि वायुमंडल में गैसों का अनुपात, अब अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार वो एक सवाल पूछा था, क्या पूछा था कि भाई ह्यूमन शरीर में या हमारे जो शरीर है उसमें किस तत्व की प्रधानता ज़्यादा है, या कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में, तो उसका उत्तर था ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है और पानी में H2O होता है, तो ऑक्सीजन वैसे, और हम सांस लेते हैं फिर ऑक्सीजन बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो वैसे नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है 78%, ऑक्सीजन जो है 20% है, ध्यान रखेंगे वायुमंडल में। उसके बाद आर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कई बार ये आपसे क्रम पूछ सकता है कि निम्न गैसों का वायुमंडल में अनुपात या मात्रा के आधार पर क्रम बताइए, तो आप सीधा क्रम बताएंगे, क्या बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, सबको याद रहता है, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है, ऑर्गन तीसरे नंबर पे है, कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें,
चलो बहुत कम टाइम है, चीज़ें ज़्यादा हैं, यूनिट सेवन में बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये फैक्ट पढ़ लो, देख लो, कभी मैज़दा कॉलम में आ जाता है, क्रम में आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, और नहीं आता है अगर आप मेंस लिखते हैं तो 3 नंबर में तो ये पूछ सकता है भाई। MPPSC बहुत फैक्ट पे चलती है, पूरा फैक्ट पे चलने वाला एग्ज़ाम है, तो फैक्ट देखो, फैक्ट सुनो और फैक्ट पढ़ो, बस ये वही है कि अवधारणा ये रिपीट हो गया। पारिस्थितिकी शब्द ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, धारणीय विकास बुटलैंड रिपोर्ट पर्यावरण निश्चयवाद कार्ल रिटर ने दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वही की वही चीज़ें रिपीट हो गई हैं, ठीक है। अगले पेज पे आ जाओ। ये क्या हो गया, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे अब ये अधिनियम है, अगर आपने देखा होगा कि वो अधिनियम पूछता है, जैसे 2019 में उसने पूछा था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में आया, तो उसका सही उत्तर था 1856 में हम उसको लेके आए थे। फिर उसके बाद उसने पूछ लिया था आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया, तो ये पर्यावरण के कुछ अधिनियम हैं जो पूछ सकते हैं वो आपसे। तो क्या है भाई, भारतीय वन अधिनियम कब आया, तो भारतीय वन अधिनियम आया 1927 में। फिर वन्य जीव अधिनियम कब आया, पूछ देगा ना कि भाई वन्य जीव अधिनियम कब आया, तो वन्य जीव अधिनियम जो है वो 1972 को आया, ठीक है। उसके बाद जल प्रदूषण वाला कब आया, तो 1974 को आया। जल उपकर तो ये 1977 को आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है। यहाँ पे आप अंतर करेंगे, वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोनों अलग अलग हैं, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 को आया था, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर वो आपसे पूछता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आप उसका उत्तर लगाएंगे 1980। अगर वो आपसे पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आप उसका उत्तर लगाएंगे 1986। फिर एक और आगे आता है कि जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो जैव विविधता अधिनियम आया है 2002 में। फिर आता है ध्वनि प्रदूषण सबसे लास्ट में, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि पीछे हम कितना कुछ फैला के आए हैं, कितना कुछ प्रदूषण करके आए हैं। तो फिर हमें पता चला कि भाई हमने वाइल्ड लाइफ को ख़राब कर दिया, वन्य जीवों को बहुत नुकसान पहुँचा दिया। फिर धीरे से हमारी आँख खुली, हमने सोचा हमने जल को भी ख़राब कर दिया, प्रदूषित कर दिया। फिर हमें बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, फिर जैव विविधता, फिर अभी ध्वनि, क्योंकि इतनी इंडस्ट्रीज़ से इतना पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ध्यान रखेंगे ये अधिनियम है, इनको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रट लीजिए, पेपर निकलना इम्पॉर्टेंट है और वो निकलेगा, मेहनत करेंगे तो। अब ये कुछ तत्व हैं जो पानी में या किसी भी मात्रा में आपकी बॉडी में जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न होगा। तो जैसे फ्लोराइड, तो फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है, ठीक है, पारा से कौन सा रोग होता है, ठीक है, कैडमियम से, फॉस्फोरस से, लेड से, ये क्लास पूरी फैक्ट पे बेस्ड है। PSC को ध्यान में रख के ये पूरा डिज़ाइन करी गई है PPT, आप बस इसको सुने, स्पीड बढ़ा लें, स्लो लग रही होगी, लेकिन बस पढ़ते रहें, कहीं भी बैठे हों आप ध्यान रखेंगे। तो फ्लोराइड से अगर कोई रोग होता है, तो वो होता है नॉक नी सिंड्रोम। पूछ देगा कि भाई फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है, फ्लोराइड से नॉक नी सिंड्रोम होता है, सिंपल। पारा से मिनीमाटा होता है, ठीक है, पारा जो है उससे मिनीमाटा रोग हो जाता है, ठीक है, कैडमियम से इटाइटाई होता है, फैक्ट है, रट लो। फॉस्फोरस से दांत व हड्डियों में गलना हो जाता है, लेड से एनीमिया होता है, मसूड़ों में लीनापन हो जाता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जो गंगा का पानी है उसमें आर्सेनिक की मात्रा भी ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर ब्लैक फुट नाम का रोग हो रहा है। पारा आप याद रखेंगे, पारा से मिनीमाटा रोग होता है, मिनीमाटा कन्वेंशन जापान में हुआ था, इस रोग से संबंधित है। फ्लोराइड अगर हो जाता है तो उससे नॉक नी सिंड्रोम हो जाता है, पैर नौकनी जो पैर होते हैं उसको बोलते हैं शायद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है, ध्यान रखेंगे, नौकनी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम दोनों के अलग अलग हैं। कैसे, फ्लोराइड से एक होता है, एक नाइट्रेट से होता है, आर्सेनिक से आपका ब्लैक फुट होता है, ठीक है, टेबल है, रटने वाली चीज़ है, कुछ नया नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो गाँव में बैठे हैं, जो इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि एक बुक में आपको सारे फैक्ट नहीं मिलेंगे, हो सकता है आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें एक आध दिन में से टेबल ना दी हो या कुछ फैक्ट ना दिए हों, तो सारी बुकों से ये फैक्ट आए हैं आपके सामने, देखें, पेपर आता है बने, क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब यहाँ पे क्रांतियाँ हैं कि बहुत सारी क्रांति हुई हैं, कई बार पेपर में पूछ देगा हरित क्रांति, पीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, गुलाबी क्रांति, तो सारी क्रांतियाँ देख लो भाई एक बार, कौन सी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है, कौन सी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को देख लो। चलो आ जाओ, सबसे पहले है आपका
हरित क्रांति। तो हरित क्रांति सबको पता है, सिंपल सी क्रांति है, ठीक है। कब हुई थी? तो खाद्य उत्पादन से है, हम इसको लेके आए थे भारत में, इसके स्वामीनाथन। कौन? तो स्वामीनाथन, इसके जनक, हरित क्रांति के जनक तो कौन है भारत में? स्वामीनाथन है। सुनहरी क्रांति, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज कर देती है सुनहरी क्रांति, फल सब्जी उत्पादन या बागवानी से संबंधित है। सुनहरी क्रांति में कई बार रेशा और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सुनहरी क्रांति यहाँ पे आप याद रखेंगे, सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति सबको पता है, दुग्ध उत्पादन से है, इसके जनक है वर्गीस कुरियन। ध्यान रखेंगे आप, कौन है? वर्गीस, ठीक है, वर्गीस कुरियन। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति या काली क्रांति कई बार नहीं पता होता है, तो किससे संबंधित है? खनिज तेल। ध्यान रखेंगे, नीली क्रांति सिंपल है, मत्स्य उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। ध्यान रखो, सुन लो इसको एक बार, हरित क्रांति खाद्यान्न से है, सुनहरी क्रांति फल से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, कृष्ण क्रांति खनिज, नीली क्रांति मत्स्य, गोल क्रांति आलू। यूनिट 7 में जितने फैक्ट हो सकते हैं, पॉसिबल फैक्ट हो सकते हैं, फैक्ट तो सब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम पॉसिबल फैक्ट की बात कर रहे हैं। आगे, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, ठीक है, दाल वगैरह उससे है पीली क्रांति, तो वो देखेंगे। फिर रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी हम सुनहरी क्रांति पढ़ के आए हैं। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति आपके फल और बागवानी से। इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधी समग्र, मतलब नवीन जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, और एक मिशन इंद्रधनुष, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी बीमारियों में जो टीकाकरण है, टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। लेकिन अगर इंद्रधनुषी क्रांति की बात करें तो एक कृषि संबंधी है, एक इंद्रधनुष प्लान वो भी लेके आए थे बैंकिंग वाले। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से है, अभी हमने बेतवा को जोड़ा है, ठीक है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हमने करा है, तो वो अमृत प्रोजेक्ट ही है, तो ये नदियों को जोड़ने से संबंधित है अमृत क्रांति। सदाबहार क्रांति आपकी कृषि उत्पादन को दोगुना करना है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से, और लाल क्रांति मांस और टमाटर, मतलब मीट और टमाटर से कौन सी आपकी लाल क्रांति? अभी हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था। कब बोला था? 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। फिर बजट में अमृतकाल की बात हुई, अमृतकाल मतलब हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, और आने वाले जो 25 साल हैं वो अमृत क्रांति है। तो अमृत क्रांति अगर आपसे पूछे तो नदियों को जोड़ना है, लेकिन ये अमृतकाल अलग है, और एक अमृत अलग होता है जिससे अमर हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ भाई, ये कुछ वनस्पतियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उगती हैं, तो इन वनस्पतियों को देख लो भाई, याद नहीं होती आज मैं आपको इनकी ट्रिक बता देता हूँ कि ज़ीरोफाइटा, लिथोफाइटा, हेलियोफाइटा, फिर हेलोफाइटा, मीसोफाइटा, और ये तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बता दूँ। चलो सबसे पहले ज़ीरोफाइटा, तो ज़ीरोफाइटा में आपको जीरा जैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा कि जीरा, तो आपने एक कहावत सुनी है, ऊँट के मुँह में जीरा, सब नहीं सुनी होगी, ऊँट के मुँह में जीरा, मतलब कि बहुत थोड़ा मिल जाना किसी बड़े को चाहने वाले को। तो ऊँट कहाँ होता है? ऊँट होता है मरुस्थल में, तो मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति को ज़ेरोफाइटा बोलते हैं। इसको ऐसे याद रखना है, ऊँट के मुँह में जीरा, सबको पता है जीरा मतलब ज़ेरोफाइटा, ऊँट मतलब मरुस्थल, ध्यान रखना। लिथोफाइटा, लिथोफाइटा मतलब कि भाई चट्टाने पे उगने वाली, आपने देखा होगा लिथोट्रिस्पी, लिथोट्रिस्पी एक विधि है जिससे हम किडनी में या हमारे शरीर में जो पत्थर बन जाता है उसको लेज़र के द्वारा अलग करते हैं, तो लिथोफाइटा जो है वो चट्टानों पर उगती है। एक किडनी स्टोन होता है उसको ठीक करने की ये विधि है। अब हेलियो, तो हेलियो को पढ़ के आपको हीलियम जैसा साउंड हो रहा होगा, हीलियम या हाइड्रोजन, तो हीलियम और हाइड्रोजन कहाँ पाई जाती हैं? तो सूरज में पाई जाती हैं, तो हीलियोफाइटा जो है वो सूर्य के प्रकाश में उगने वाली वनस्पति हैं, मतलब जितनी भी वनस्पति सूर्य के प्रकाश में उगती हैं उनको हीलियोफाइटा बोलते हैं। फिर एक आता है हेलोफाइटा, हेलो मतलब होता है नमकीन या लवणता में उगने वाली वनस्पति, हेलो मतलब लवणता में उगने वाली वनस्पति। फिर आता है मेसोफाइटा, मेसोफाइटा मतलब कि भाई नम स्थानों पर, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर कौन सी वनस्पति होती उगेगी? वहाँ पे उगेगी आपकी मीसोफाइटा। सियोफाइटा छायादार वृक्षों में, मतलब जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे कोई वनस्पति उग रही है, तो उस वनस्पति को किस भाग में हम रखेंगे? तो उसको हम सियोफाइटा में रखेंगे। क्रिप्टोफाइटा, आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी या जो जितनी भी क्रिप्टो है वो मार्केट एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, तो क्रिप्टो मतलब बर्फ़ में उगने वाली वनस्पति, ध्यान रखेंगे, क्रिप्टो मतलब बर्फ में उगने वाली वनस्पति, ठीक है। तो ये वनस्पतियाँ हैं, इनको देख लें, ठीक।
अब हम चलते हैं कुछ फैक्ट 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 पढ़ के मेरा भी दिमाग चकरा रहा है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा कि ग्रीन गोल्ड बांस को कहते हैं। ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं? तो भाई ग्रीन गोल्ड बांस को बोलते हैं। ग्रीन क्रांति काय से संबंधित है? तो ग्रीन क्रांति जो है वो चाय उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ग्रीन क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ग्रीन गोल्ड बांस को कहते हैं, ग्रीन क्रांति जो है चाय से है। ग्रीन मफलर, ध्यान रखेंगे, ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन आर्मी का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ग्रीन पीस एक पर्यावरण संरक्षण का एनजीओ है, ग्रीन पीस। अब ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक, ये WM एडम्स, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक WM एडम्स की है। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर एक अवार्ड है, विटली अवार्ड, उसको बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर। उसके बाद आती है ग्रीन हाउस गैस, इसमें सबसे ज़्यादा CO2 का योगदान हुआ है ग्रीन हाउस गैस में। ग्रीन मिल्क, ये अभी मैसूर में विकसित किया गया है ग्रीन मिल्क। ग्रीन सिटी सांची को बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश की सांची जो सिटी है उसको ग्रीन सिटी बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसको सोलर सिटी भी बोल रहे हैं। ठीक है, और भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है जहाँ पे सारी चीज़ें सौर ऊर्जा से चलेंगी? कोणार्क उड़ीसा में है, आपको ध्यान रखना है। कोणार्क मंदिर, ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, भगवान सूर्य का मंदिर है वहाँ पे। ठीक है, चलो भाई अगले पेज पे चलते हैं हम। यहाँ से हमारे सवाल शुरू हो रहे हैं। अभी तक हमने पूरे फैक्ट देखे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को फैक्ट नए लगें, कुछ लोगों के लिए पढ़े पढ़ाए हो सकते हैं, पर मेरा काम है बताना, आपका काम है सुनना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। शंकुधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं बताओ भाई, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाएंगे? ठीक है, सीधा सीधा उत्तर बता देता हूँ फटाफट। शीतोष्ण क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे उनको शंकुधारी वन कहेंगे। शीतोष्ण क्षेत्र में वन पाए जाते हैं उनको शंकुधारी वन बोलते हैं। शंकुधारी वन बेसिकली ऐसे होते हैं, देखा होगा आपने ये ऐसा क्रिसमस ट्री वगैरह, तो यहाँ फिर बर्फ बर्फ गिरती है इनके ऊपर, तो ये जो वन है ये शंकुधारी वन है। मतलब ऐसा होता है, ये ऐसा इसलिए होता है कि जब बर्फ़ गिरती है तो वो रुक नहीं पाती, वो एक्चुअली नीचे आ जाती है, समझ रहे हो ना। जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितने भी जानवर हैं और जितने भी ह्यूमंस हैं, उन पे पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर आप भूमध्य रेखा में जाएंगे तो आपको चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि भैया उनके पास इतना ज़्यादा पानी है कि उनको पानी को वाष्पोत्सर्जित करना पड़ रहा है, बड़ी पत्ती होती है। अगर आप मरुस्थल में जाएंगे तो आपको कांटेदार वनस्पति मिलेगी, कैक्टस मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पत्तियों को इतना छोटा कर लिया ताकि कम से कम पानी का हास हो। वैसे ही हम इंसानों के साथ हैं, भूमध्य रेखा पे जितने भी देश हैं वहाँ पे आपको जो लोग मिलेंगे वो थोड़े सांवले मिलेंगे। आप ठंडे प्रदेशों में जाओगे या उच्च अक्षांशों की तरफ जाओगे तो आपको वहाँ पे थोड़े से अंग्रेज टाइप के लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप ध्यान रखना। विश्व का फेफड़ा किसको बोलते हैं बताओ भैया? तो सीधा सा याद रखना है कि जो अमेजोन के वर्षा वन हैं या जो अमेजोन के जंगल हैं उनको विश्व का फेफड़ा बोलते हैं। ठीक है, अमेजोन के। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक, अभी जब मैं ग्रीन ग्रीन चीज़ें पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था, तो इसका उत्तर है WM एडम्स को। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो WM एडम्स साहब ने। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। क्या कह रहा है? फटाफट सवाल है, 20-22 मिनट की वीडियो होती है, दो वीडियो पहले चैनल पे डल चुकी हैं, आप उनको देखें। पहले वीडियो में हमने विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत देखा है, दूसरी वीडियो में हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के फैक्ट बात करी है, और इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आपको बताना है भैया कि इनमें से कौन सा। तो ये तो विकल्प से कर सकते हो, वन अपने आप बनते हैं, घास के मैदान, झील, लेकिन धान का खेत हम खुद बनाते हैं। वहाँ पे हम पानी भरते हैं, फिर मिट्टी को मिक्स करते हैं, फिर हम एक एक पौधे को रोपण करते हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारा एक पारिस्थितिकी तंत्र टाइप का बन जाता है। ठीक है, ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये तंत्र शब्द किसने दिया था? दिमाग में याद होना चाहिए कि टेंशन, जैसे ही तंत्र मंत्र विद्या तो टेंशन हो जाती है, तो AG टेंसले। ठीक है, सिस्टम आ जाओ। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ये 2019 में पूछा था ये सवाल, तो इसका उत्तर है जैव भू रासायनिक चक्र। कौन सा चक्र है? जैव भू रासायनिक चक्र है, सिंपल। ठीक है, पर्यावरण इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, और इतने सारे कॉन्सेप्ट उससे रिलेट हैं। हम जो धार्मिक रूप से कट्टर हो रहे हैं, तो हमारे धर्म कैसे बने हैं उसके पीछे पर्यावरण ही एकमात्र कारण है। हमारे धर्मों में आपने देखा होगा भगवान शंकर बैठे हैं, उनके वो शेर की छाल पे बैठे हैं। ठीक है, आसपास जानवर हैं। हम लोग ऑरेंज कलर का या भगवा कलर फैलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो दूर से विजिबल है। क्यों उस समय ज़रूरत थी?
धर्म का सीधा संबंध पर्यावरण से है। ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक आध दिन समझेंगे वीडियो के माध्यम से कि किस धर्म में कैसा। अगर आप ईसाई धर्म में जाओगे तो वहाँ पर वाइन पीना, अपने भगवान को वाइन चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो ठंडी जगह के भगवान हैं, वहाँ अगर वाइन नहीं पियेंगे, शराब नहीं पियेंगे तो वो लोग कैसे रहेंगे? तो ध्यान रखना है आपको। अगले सवाल पर चलते हैं हम। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नीचे कम ऊर्जा, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, तो ऊर्जा जो होती है वो नीचे से ऊपर जाती है। सबसे पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं, फिर अपघटक होते हैं। आ जाओ भाई, एक पोषण स्तर से, अभी मैं इसी को बता रहा था कि ऊर्जा में एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, ये एक पिरामिड है, ये काय का पिरामिड है, ऊर्जा का, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल, दो लेवल, ऐसे समझ लो। अब यहाँ पे मान के चलो ये उत्पादक हैं, पेड़ पौधे हमारे, उसके बाद यहाँ पे हमारे शाकाहारी हैं, फिर यहाँ पे मांसाहारी हैं, फिर यहाँ पे सर्वाहारी हैं, ठीक है। तो अब ये सवाल कह रहा है कि भाई यहाँ से जब यहाँ एनर्जी जाएगी तो कितने परसेंट एनर्जी जाती है? सिंपल सा 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, 90% एनर्जी नहीं ट्रांसफ़र होती है 100% में से। तो ये 10% ऊर्जा का प्रवाह, इसको लिंडमान ने दिया था, यहाँ पे लिंडमान प्रतिशत भी बोलते हैं इसको। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा ही जा पाती है, ठीक है, ये लिंडमान ने दिया था, ध्यान रखेंगे। जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? तालाब में, ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर तालाब है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? अब इसमें सीधा कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा, जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होगी। मतलब जल मंडल और वायुमंडल और जैव मंडल तीनों मिलके एक बायोम बनाते हैं, तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपको शांत घाटी केरल में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। पर्यावरण के बहुत सारे फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, फैक्ट अपने दिमाग में रुकाएं। मेंस में मिल सकते ही हेल्प, प्रीलिम्स में हेल्प मिल सकती है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पर्यावरण से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और सवाल इसी के आसपास के रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि भाई भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो अब जैव विविधता शब्द किसने दिया है, भूमध्य रेखा क्या है, केरल में शांत घाटी, जैव विविधता पश्चिमी घाट, तो ऐसे रिलेट करके आप पढ़ते जाइए। प्रीलिम्स में बहुत कम समय है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एमपी बहुत अच्छा कर लीजिए, आयोग अच्छा कर लीजिए, यूनिट 9 अच्छी कर लीजिए, और पर्यावरण यूनिट 7 के लिए फैक्ट वाली जो सीरीज़ है उसको देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने रिव्यूज़ कमेंट में ज़रूर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।